ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदा वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांसं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्विता हे कृष्णा करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्त राधाकन्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये माच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
हरे कृष्ण। पीछे आवाज सुनाई दे रही है, तो कांग्रीगेशन प्रीचिंग में जितने भक्त लगे हुए हैं, कांग्रीगेशन फैसिलिटेटर्स जिसको हम लोग फैसिलिटेटर्स कहते हैं, जो फैसिलिटेटर का अर्थ ये है कि जो गाइडेंस देते हैं। अब दूसरे जो भक्त हैं उनका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, जैसे कि अपनी भक्ति तो करना, साथ ही साथ दूसरों को भी टेक केयर करना, ये फैसिलिटेटर का काम है। प्रचार में जो सहयोग दे रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो जिनका अपनी भक्ति करने में ही हालत खराब रहता है कि नहीं? अपना भक्ति कर ले तो ही बहुत बड़ी बात है ना? और अपनी भक्ति का ध्यान रखते हैं, बस अपनी भक्ति हो गई, उसको कहते हैं भक्त। भक्त मतलब जो अपनी भक्ति कर ले, उसको कहते हैं भक्त। और लेकिन वो भक्त है, अपनी भक्ति कर सकता है, लेकिन दूसरों को भक्त नहीं बना सकता। अपनी भक्ति कर रहा है लेकिन दूसरों को भक्त नहीं बना सकता, इसलिए उसको केवल भक्त बोलते हैं। लेकिन जब भक्त जो है अपनी भी भक्ति करता है और साथ ही साथ वो इतना इंस्पायर्ड फील करता है, इतनी प्रेरणा महसूस करता है अंदर से कि अपनी भक्ति के साथ साथ दूसरों को भी भक्ति कराने में, दूसरों को भी भक्ति करता है, प्रचार करता है, दूसरों को भी भक्त बना सकता है, खुद तो भक्त है ही, दूसरों को भी भक्त बना सकता है और बनाता है, उसको कहते हैं प्रीचर। तो भक्त और प्रीचर में समझ में आया अंतर? भक्त जो है वो अपनी भक्ति करता है, लेकिन प्रीचर दूसरों को भक्ति कराता है, अपनी भक्ति करता है, प्लस एडिशनल क्या करता है? दूसरों को भी भक्त बना सकता है, बनाता है, उसको कहते हैं क्या? प्रीचर या फैसिलिटेटर। तो जो भक्त बनाता है उसको कहते हैं प्रीचर। तो कुछ लोग प्रीचिंग करते हैं, अपनी भक्ति करते हैं और दूसरों को भक्त बनाते हैं, है ना? लेकिन दूसरों को भक्त बना सकते हैं लेकिन उनको प्रीचर नहीं बना सकते। भक्त बना सकते हैं लेकिन क्या? प्रीचर नहीं बना सकते, है ना? खुद भी प्रीचर हैं, भक्त बनाते हैं, लेकिन आज तक एक भी लाइफ में प्रीचर नहीं बनाया। समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या बनाया? भक्त बनाया। लेकिन एक भी प्रचारक नहीं बनाया अपने जैसा, तो इसलिए वो प्रीचर ही रह जाएंगे।
प्रीचर से भी एक स्टेप आगे जाना है, क्या उसको कहते हैं लीडर, क्या कहते हैं लीडर। तो लीडर मतलब क्या, जो भक्ति करता है, अपनी भक्ति करता है, साथ ही साथ दूसरों को भी भक्त बना सकता है, और साथ ही साथ ना दूसरों को प्रीचर बना सकता है, क्या कर सकता है प्रीचर। और जिसने कई सारे प्रीचर बना दिए, कई सारे भक्त बना दिए तो वो प्रीचर हो गया, जिसने कई सारे प्रीचर बना दिए तो क्या हो गया हैं लीडर। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कई सारे प्रीचर बनाए हैं, हाथ उठाइए। या दो प्रीचर, एक प्रीचर आपने बनाया जो आप जैसा प्रचार कर रहा है, कितने लोग ने एक प्रीचर बनाया, एक भी नहीं है। माता जी एक यहाँ हाथ उठाए, दो तीन इधर, अच्छा कितने लोगों ने भक्त बनाया है, अच्छा कितने लोगों ने भक्त भी नहीं बनाया, और कितने लोगों ने अभी तक एक बार भी हाथ नहीं उठाया। तो मैं जानना चाहूंगा क्या कारण था कि आपने इन सारे कटेरे किसी भी हाथ नहीं उठाया है? क्या विनम्रता नहीं दिखाना है यहाँ है? कई भक्त इसलिए हाथ नहीं उठे कि वो विनम्रता दिखा रहे थे, है ना, कैसे कहें कि हमने किया है ना, हमने नहीं बनाया है, वो तो प्रभुपाद जी बना रहे हैं, ऐसे वो विनम्रता थोड़े समय के लिए क्लासरूम से बाहर रख के आइए हैं, ठीक है, यहाँ प्रैक्टिकल डिस्कशन करना है, प्रैक्टिकल। तो आप फिर से हाथ उठाइए, विनम्रता मत दिखाइएगा, ठीक है। आपके अंडर में कितने लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं, आपने नहीं बनाया, चलिए छोड़िए, आपके अंडर में आपसे इंस्पायर्ड होके लोग उन प्रचार में प्रचार कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो प्रचार, ऐसे आपके अंडर में कई प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, चलिए हाथ उठाइए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, थैंक यू। तो तीन कैटेगरी, तीन लेवल हो गया, डिवोटी, प्रीचर और तीसरा लीडर, कौन सा लीडर, ठीक है। तो कुछ लोग डिवोटी लेवल पर रहते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं तो प्रीचिंग शुरू करते हैं तो प्रीचर। लेकिन आप देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो 20 साल से प्रचार कर रहे हैं लेकिन उन्होंने एक भी प्रचारक नहीं बनाया, उन्होंने भक्त बनाए लेकिन क्या प्रचारक नहीं बनाया, उनके अंडर में कई प्रचारक नहीं हुए। प्रभुपाद का मतलब क्या हुआ, जिसके चरणों में कई सारे, जिसके अंडर में कई सारे आचार्य होते हैं उनको बोलते प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद जी के ने कई सारे क्या बनाए, प्रचारक बनाए, बनाए ना। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी बोले मैं सारा जीवन मैं ही लेक्चर देता रहूंगा हर जगह, तुम लोग योग्य नहीं हो, बोले ऐसा प्रभुपाद जी नहीं। प्रचारक जा रहे देखा तारे का कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु ही तारे देश, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है प्रचार करने की, प्रचारक बनाना पड़ेगा। तो प्रचारक जो बनाता है वो लीडर,
तो लीडर का डेफिनेशन क्या हो गया कि जो डिवोटी है प्रचार भी कर सकता, डिवोटी भी बना सकता है और प्रचारक भी बना सकता है ना, खुद भी डिवोटी है, डिवोटी बनाता भी है और साथ ही साथ प्रचारक भी बनाता है, तो हो गया लीडर। लेकिन लीडर नहीं बना सकता क्या, लीडर प्रचारक बनाता है लेकिन लीडर नहीं बनाता है, है? प्रचारक बनाता है लेकिन लीडर नहीं बना सकता जो प्रचारक बना सके, तो जो व्यक्ति क्या करता है लीडर बना सकता है जो प्रचारक बनाएगा। ऐसे लीडर जिनके अंडर में कई सारे प्रचारक कार्य कर रहे हैं, ऐसे लीडर बनाना, उसको क्या बोलेंगे, कोच, क्या कोच, लीडरशिप कोच जिसको बोलते हैं। वो कई सारे लीडर बनाता है ना, और उन लीडर्स के अंडर में कई सारे लोग प्रचार कर रहे होते हैं, है ना। तो कोच के लेवल तक जाना है, ठीक है ना। कितने लोगों को समझ में आया मेरी बात, ओके। कितने लोगों को लगा कि अभी कुछ, कोई जो भी बताया मैंने उसमें कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई कुछ जानना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा, अभी तक जितना बताया उसमें। किसी को समझ में आया क्या पूछ रहे हैं, कोच का मतलब जो लीडर बना सके, जो डिवोटी बना सके वो प्रीचर, जो प्रीचर बना सके लीडर, जो लीडर बना सके वो कोच है। समझ में आया, तो चार लेवल से, चार लेवल, तो ये जो प्रोग्राम है फैसिलिटेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये प्रीचर लेवल का प्रोग्राम है, सिर्फ फैसिलिटेटर्स को ट्रेन करने का, है ना। ऐसे डिवोटी, तो आप में से कितने डिवोटी यहाँ हैं जो प्रीचर प्रीचिंग कर रहे हैं और आपने कोई प्रीचर, लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीचर की बात कर रहा हूँ, इस डेफिनेशन के आधार पे आप प्रीचर हैं, कितने ऐसे भक्त हैं जो प्रीचर हैं, हाथ उठाइए, जो परिभाषा बताया मैंने, ओके, आप सब प्रीचिंग में लगे हुए हैं ना। और कितने लोग जो हैं वो प्रीचर अभी प्रीचिंग में नहीं लगे हैं, हाथ उठाइए। और कितने लोग हैं दोनों में हाथ नहीं उठाए, आप प्रीचिंग में लगे भी और नहीं भी लगे, कैसे, बहुत अच्छा, थैंक यू। लेकिन प्रभु जी का कहना है कि ट्रेनिंग कभी हुआ नहीं, ऐसा प्रोग्राम हुआ नहीं कि जहाँ हमको ट्रेनिंग दिया जाए, है ना, ताकि हम भी प्रचार कर सकें। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है इनका, है ना, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई मौका नहीं मिलेगा ट्रेनिंग का, तो फिर कैसे व्यक्ति प्रचार करेंगे,
वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति प्रचार कर सकता है, हर व्यक्ति। कुछ लोग इंस्पायर्ड हो जाते हैं, स्वयं करते हैं, खुद से इंस्पिरेशन हो गया, करना शुरू कर दी, है ना। लेकिन कुछ लोग, हर व्यक्ति खुद इंस्पायर्ड नहीं होता है, उसको किसी को इंस्पिरेशन देना पड़ता है कि नहीं। ज़्यादातर भक्त हनुमान जी की तरह होते हैं, है ना। हनुमान जी के जानते, हनुमान जी का नाम सुना आप लोगों ने? हनुमान जी जब समुद्र को पार करके जाना था, अंगद जामवंत सब मीटिंग कर रहे थे कि कैसे पार करेंगे समुद्र को, कौन जाएगा लंका। तो अंगद बोले, हम तो 60 योजन पार कर जाएंगे, लेकिन 100 योजन का समुद्र है, मेरे से नहीं हो पाएगा। सब लोग बोले, हमसे भी नहीं हो पाएगा, कौन करेगा। सब बोले, बजरंग बली हैं, वही कर सकते हैं। बजरंग बली हैं कहाँ, मीटिंग में दिख नहीं रहे हैं। अरे कहाँ हैं, ढूंढा जाए उनको। तो सब गए देखे, समुद्र के किनारे बैठकर रामेश्वरम में माला कर रहे हैं, बजरंग बली माला कर रहे हैं। जामवन जी गए, बोले हनुमान जी, ये जो काम है ये आप भी कर सकते हो, अभी माला करना बंद कर दीजिए, अभी आपको कुछ सेवा करना है। हनुमान जी बोले, मैं तो जूनियर डिवोटी हूँ, आप सब इतने महान महान सीनियर लोग हैं, आपके रहते मैं क्या करूँगा, मेरे को तो कोई शक्ति ही नहीं है मेरे अंदर, शक्ति बुद्धिहीन हम अति दीन, कोई शक्ति नहीं है मेरे अंदर। तो उनको याद दिलाया, जामवान जी ने याद दिलाया उनको, क्योंकि हनुमान जी को अभिशाप मिला हुआ था, जानते हैं, अभिशाप मिल गया था बचपन में ही कि अपनी शक्ति आप भूल जाओगे, है ना। और जब कोई याद दिलाएगा तब आपको वो शक्तियाँ फिर से वापस आ जाएंगी, याद आ जाएंगी। तो जामवान जी ने जब याद दिलाया उनको तब याद आया। उसी तरह से कई सारे भक्त हैं, वो अपनी शक्ति भूल चुके हैं, यहाँ पे माला में बिजी रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भक्त दिख रहे हैं मुझे, जो अपनी शक्ति भूल कर माला करने में लगे हुए हैं। तो किसी सीनियर डिवोटी को जामवान बनना पड़ेगा, और सबको याद दिलाना पड़ेगा कि आप सब प्रचार कर सकते हो, सब लोग प्रचार कर सकते हैं। तो बहुत सारे भक्त हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति हाथ उठाए, जब मैं बोलूँ तो हाथ उठाना, क्योंकि रेसिप्रोकेशन बहुत ज़रूरी है, है ना। कई भक्त लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। चर्चा बहुत ज़रूरी है। तो कितने ऐसे भक्त हैं जो प्रचार कर रहे हैं, लेक्चर देते हैं, भक्तों को गाइडेंस देते हैं, कल्टीवेट करते हैं, कितने ऐसे भक्त हैं, हाथ उठाइए, शर्माइएगा मत। ये देखिए बढ़ गया संख्या, हनुमान जी कई सारे देखिए याद आ गया, है ना। भक्त लोग विनम्र होते हैं ना, तो उठाएंगे नहीं हाथ, है ना। और कितने लोग हैं जो सोच रहे हैं कि आगे हम एक बार ट्रेनिंग हो जाए तो फिर प्रचार शुरू करेंगे, अभी तक प्रचार कर नहीं रहे हैं पर शुरू करने का योजना सोच रहे हैं, हाथ उठाइए, जोर से उठाइए एकदम पूरा। ऐसे माता जी लोग की तरफ बहुत कम हाथ उठ रहा है, हैं? अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। तो जो लोग प्रचार कर रहे हैं फिर से हाथ उठाइए, वेरी गुड, थैंक यू। तो आप लोगों को
अब प्रचार कर रहे हैं, आप भक्त बना रहे हैं, अब आपको क्या करना है? भक्त नहीं बनाना है, क्या बनाना है? अपने जैसा प्रचारक बनाना है, ठीक है? पोटेंशियल लोगों को निकालना चाहिए। मान लीजिए आप प्रचार कर रहे हैं तो आपके अंडर में 10 भक्त हैं, ठीक है? तो 10 भक्त जो हैं उनमें से मैं अगर आपको कहूं कि उन 10 में से आपको जो सबसे बढ़िया 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, जो सबसे अच्छे भक्त हैं उन 10 में, तो उनका नाम लिखना है आपको, तो उनको याद कीजिए, कौन है आपके अंडर में 2 सबसे अच्छे भक्त, कोई बताना चाहेंगे? यस, माइक में बोलना पड़ेगा। वेरी गुड, थैंक यू। तो ये 2 भक्त हैं जो सबसे अच्छे हैं आपके हिसाब से, तो उन भक्तों को हमें क्या करना है? अब आप उनको भक्त के रूप में मत देखिए, अब उनको प्रीचर के रूप में देखना शुरू कीजिए, है ना? तो मान लीजिए यहाँ पे 100 प्रचारक हैं, मान लीजिए हर प्रचारक 2-2 ऐसे भक्त निकालेगा अपने टीम से, जिनको हम अगले 6 महीने में ट्रेन करके क्या बनाएंगे? प्रीचर। तो 6 महीने बाद कितने प्रीचर हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे ना? तो 200 प्रीचर हो जाएंगे, और एक प्रीचर कितने लोगों को भक्त बना सकता है? कितने लोगों को? 20 मान लीजिए, भक्ति वृक्षा ग्रुप 15-20 का होता है ना, तो 200 लोग कितने हो जाएंगे? 200 प्रीचर गुणे 20 कितने हो जाएंगे? 4000 भक्त बन जाएंगे, है ना? तो जो प्रीचर हैं उनको क्या बनाना चाहिए? प्रीचर। भक्त तो आप बना ही रहे हैं, उसमें कोई बड़प्पन नहीं है। भक्त आप बना रहे हो तो आप भक्ति बनाओगे तो आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर आप प्रीचर हैं, भक्त बना रहे हैं, पिछले साल भी भक्त बनाया, इस साल भी भक्त ही बना रहे हैं, तो आप ग्रो नहीं कर रहे हैं लाइफ में, समझ में आ रहा है? पिछले साल भक्त बनाए, इस साल अगर आपने प्रीचर बनाया तब आप ग्रोथ कर रहे हैं, समझ में आया माता जी लोग? और अगर आप पिछले साल प्रीचर बनाए और इस साल भी प्रीचर बनाए तो आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, इस साल आपको लीडर बनाना पड़ेगा। सो लाइक दैट, क्यों हम क्यों प्रीचर बनाने की जरूरत है, क्यों लीडर बनाने की जरूरत है? उसका कारण श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में बता रहे हैं। एकला मालाकार आमी कत फल खाब ना दिया बा एई फल आर की करीब। I am the only gardener. If I do not distribute these fruits, what shall I do with them? How many fruits can I alone eat? Chaitanya Mahaprabhu कह रहे हैं, सुनाई दे रहा है? Chaitanya Mahaprabhu कह रहे हैं कि मैं अकेले कितना फल खाऊंगा और अकेले कितना फल बांटूंगा? एक आदमी को अगर बांटने के लिए दिया जाए प्रसाद, तो कितने लोगों को बांट सकता है? पूरी पृथ्वी को अगर बांटना है तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, है कि नहीं? बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, और पूरी दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं। कितने? 700 करोड़। अकेले भारत में 100 करोड़ लोग मान के चलिए, तो 100
करोड़ों लोगों को अगर आपको कृष्ण भक्ति देना है तो कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए हैं? 20 करोड़? नहीं, 20 करोड़ तो ज़्यादा हो गया, 5 ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक आदमी। कितना माता जी लोग बताइए, कितना? 100 करोड़ लोगों तक भक्ति पहुंचाना है तो कितने करोड़ लोग चाहिए प्रचारक? एक आदमी कितने लोगों तक भक्ति पहुंचा सकता है? एक व्यक्ति 20 लोग को, तो 5 करोड़ प्रचारक चाहिए। कितना? 5 करोड़। 5 करोड़ कहाँ से आएंगे प्रचारक? जब तक आप लोग प्रचारक बनाओगे नहीं, है ना? तो हमें भक्त नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है? क्या बनाना है? प्रचारक बनाना है। बोलिए सब, फिर से बोलिए, हमें भक्त नहीं बनाना है, क्या बनाना है? तो लिखिए अपने नोटबुक में, लिखिए सब लोग जो मैं अभी बताया स्टेटमेंट, लिखिए सब लोग। ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबके पास नोटबुक दिया जाना चाहिए, है ना? कोई भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है इस्कॉन का, तो उसमें नोटबुक देते हैं, पेन भी देते हैं, क्योंकि भक्त लोग कई बार तैयार होकर नहीं आते, है ना? दे देना चाहिए। तो हमें भक्त नहीं बनाना है, हमें प्रचारक बनाना है, ये हमारा मिशन होना चाहिए, है ना? प्रचारक। तो बोले कि तुम्हें भक्त कौन बनाएगा? अगर हम प्रचारक बनाएंगे तो भक्त कौन बनाएगा? हैं? हाँ, प्रचारक भक्त बनाएगा, है ना? एनीवे, तो इसलिए ये जो कार्यक्रम जो हमने पिछले कई 2-3 साल 4 साल से कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, ये प्रचारक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, है ना? कैसे प्रचारक को ट्रेन किया जाए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रचारक को, मैच्योर प्रचारक क्या होता है, मैच्योरिटी, परिपक्वता, है ना? कई बार प्रचारक जो हैं वो आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं, आपने देखा है? ऐसे प्रचारकों को आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए, हैं? अब देखो कुछ ऐसे मंदिर होते हैं 20 साल बाद जाएंगे तो भी उतने ही भक्त दिखेंगे वहाँ जितना 20 साल पहले थे। मैं कई ऐसे मंदिरों में गया हूँ, मैं 15 साल से, तो देखिए 15 साल पहले गए थे तो भी उतने ही भक्त थे, 15 साल बाद गए तो भी लगभग उतने ही भक्त थे, थोड़ा बहुत। तो समझ में नहीं आता कि आखिर 20 साल में किया क्या, है ना? इसलिए जो हमारा SP3C फैसिलिटेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो SP3C है, SP3C का मतलब क्या? श्रील प्रभुपाद कांग्रीगेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी, SP3C। तो इसमें हमारा जो गोल है वो क्या है? डबल इट, सुने हैं ये फॉर्मूला? डबल इट, डबल इट, कितने लोगों ने सुना है ये फॉर्मूला डबल इट? माता जी आप लोगों ने नहीं सुना डबल इट? किसने, माता जी में से कौन सुनी है कभी डबल इट फॉर्मूला? है कौन बताएंगे? चलिए प्रभु जी तरफ से कौन बताएंगे? हाँ बताइए, प्रभु जी बताएंगे, माइक दीजिए प्रभु जी को।
हाँ वेरी गुड। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि पिछले साल पूछते थे, पिछले साल आपने कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो भक्त लोग बोलते थे 5,000। तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे तो ठीक है, तो इस साल आपको डबल करना है। क्या करना है? डबल। डबल मतलब डबल इट, डबल इट मतलब पिछले साल अगर आपने 5,000 किया तो इस साल क्या करना है? 10,000 करना है। और फिर उसके अगले साल 20,000, उसके अगले साल 40,000। उसके अगले साल 80,000। तो एक भक्त 5,000 तक तो कर सकता है, लेकिन उसको 5,000 से 10,000 अकेले करना है तो मुश्किल होगा ना। तो इसलिए जो प्रभुपाद जी ने डबल इट फॉर्मूला जो बताया वो तभी संभव है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हम भक्तों की संख्या डबल करें। अगर भक्तों की संख्या प्रचारक की संख्या डबल करेंगे तभी बाकी चीज़ें भी डबल हो पाएंगी, नहीं तो एक आदमी पे कितना लोड डालेंगे आप। अब आप प्रचार कर रहे हैं, आप अकेले कितने लोगों को हैंडल कर सकते हैं? 100 लोग, 200 के बाद आपका ब्रेन फट जाएगा। 200 परिवार जो हैं वो आपका माथा नोचेंगे आगे, है कि नहीं? उधर पत्नी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, अभी उसको सुलझा रहे थे तो उधर से फोन आ गया, प्रभु जी हमारे यहाँ भी झगड़ा हो गया। तब तक उधर से फोन आ गया, हमारे यहाँ भी झगड़ा हो गया। अब आप पागल ही हो जाएंगे अकेले अगर इतने लोगों को केयर करना है तो, है कि नहीं? तो बेस्ट तरीका क्या है? चोर को पुलिस बना दीजिए। क्या? तो उसको बोलिए आप लोगों का बहुत झगड़ा हो रहा है ना, अब आपको हम प्रचारक बनाएंगे। अच्छा काम क्या होगा? वो दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं उसको सब सुधारिए ताकि वो लड़ाई ना करें, है ना? तो जो लड़ाई कर रहे थे उनको लगा दीजिए, उनको समझाने के लिए जो लड़ाई नहीं कर रहे हैं तो उनको जाके बताएंगे देखो लड़ना नहीं चाहिए, है ना? हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम से रहना चाहिए, है ना? तो वो सोचेंगे, खुद भी सोचेंगे अरे हमको सहनशील होना चाहिए, है ना? अगर पत्नी जो है कुछ बोल भी दे तो सह लेना चाहिए, है ना? तो बोलते से तो खुद भी सोचेंगे ना कि हमको भी ऐसे करना चाहिए, है कि नहीं? तो प्रचारक बनाने से बहुत सारा चीज़ डेवलप हो जाता अपने आप, है ना? और साथ साथ ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, है ना? तो अकेले हम बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं संभाल पाएंगे, है ना? तो इसलिए अगर मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ा घर बनाना है, घर बनाना है आपको, तो एक पिलर पे कोई घर बन सकता है? हैं, आपने देखा है कोई घर जो एक पिलर से बना हो, जिसमें केवल एक खंभा हो? हमने देखा है बट एक ही घर देखा है, एक ही घर ऐसा है पूरी दुनिया में जो एक पिलर पर बना है, L&T का हेडक्वार्टर चेन्नई में, वो यूनिक है। बट जो यूजुअली आप इस घर को भी आप देखोगे, इस हॉल को, इसमें कई सारे पिलर हैं, है ना? और जितने ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट करना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा आपको बड़ा घर बनाना पड़ेगा और उतने ही अधिक पिलर आपको देने पड़ेंगे, है कि नहीं? और पिलर भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो जैसे इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो क्या होगा, क्या होगा बताइए? गिर जाएगा। और वो तो गिरेगा ही,
बाकी पिलर भी गिरे, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर का सारा लोड बाकी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उन बाकी पे एक्स्ट्रा लोड आएगा तो वो भी गिर जाएंगे। तो इसलिए नंबर वन कि पिलर आपके पास बहुत होने चाहिए और दूसरा पिलर मजबूत होने चाहिए, है कि नहीं? आप बरगद का पेड़ देखिए, बरगद के पेड़ की एक विशेषता है, क्या विशेषता है कौन बताएंगे? हाँ प्रभु जी बताइए, आप बताइए। हाँ बरगद का पेड़ कई किलोमीटर तक फैल सकता है, क्यों? क्योंकि थोड़ा आगे जैसे ही ब्रांच बढ़ता है एक डाली नीचे लटका देता है, वो नीचे जाके जड़ बन जाता है और सपोर्ट देता है, और फिर थोड़ा आगे बढ़ता है फिर एक लटका देता है, और इस तरह से पूरा फैलता जाता है बरगद का पेड़। आपने देखा, कितने लोगों ने देखा है बरगद का पेड़ फैलते हुए? ऐसे सबने देखा है। बरगद के पेड़ से हमें सीखना है प्रीचिंग टेक्निक, और फिर बाद में क्या होता है, बरगद के पेड़ इतने मोटे मोटे शाखाएं लटका देता है, बाद में वो पेड़ बन जाता है, और उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल वाला कौन था, सब इतने मोटे मोटे हो जाएंगे, बाद में आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कौन था जो सबसे पहला वाला था, है ना? समझ में आ रहा है? वैसा है। तो अगर हमें एक वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग मूवमेंट बनाना है तो हमको बहुत सारे प्रचारक ट्रेन करने पड़ेंगे, तो हम सबको उस तरह से देखना चाहिए। और आप सब प्रचारक हैं, ये आपके हाथ में है कि आप अपने नीचे के लोगों को आप क्या बनाना चाहते हैं, आपके हाथ में है। जैसे एक लेबर है, लेबर जानते हैं, श्रमिक, लेबर, काम करने वाला आदमी, टाइल्स बनाता है, जब वो पत्थर को देखता है तो उस पत्थर से उसको टाइल्स नज़र आता है कि नहीं, और उसको काट के उसको क्या बनाता है, टाइल्स। टाइल्स जानते हैं, घर में ये जो लगाते हैं टाइल्स, उस टाइल्स पत्थर से क्या बनाता है, टाइल्स बनाता है, टाइल्स पे लोग पैर रख के चलते हैं। और उसी पत्थर को जब एक मूर्तिकार देखता है तो क्या बनाता है, उसी पत्थर से मूर्ति बनाता है जिसके सामने लोग जाकर सिर झुकाते हैं। पत्थर वही है, ध्यान से सुनिए, पत्थर वही है, देखने वाले ने उसको क्या बना दिया, समझ में आ रहा है? एक ने उसको टाइल्स बना दी जिसमें लोग पैर रख के चलते हैं, एक ने उससे मूर्ति बना दी जिसको सारा संसार नमस्कार करता है। देखने वाले के विजन में बहुत मायने रखता है। आपके अंडर में जो डिबोटी हैं, मान लीजिए 15 डिबोटी हैं, जब आप उनको देखते हो तो क्या देखते हो? आप उनको एक अपना जूनियर डिवोटी, हमेशा एटर्नल जूनियर, विनम्रता से झुका रहे, मेरे सामने कभी बोले ना, कुछ ना करे, पिनाद भी सुनी चे इंतरोपी सही सुना, कभी प्रचार ना करे, चुपचाप बैठा रहे आके, जी हाँ करता रहे, है ना, मुझे नमस्कार करता रहे। या आप ये देख सकते हो कि ये हमारा फ्यूचर का लीडर है, क्या है, मेरे अंडर में 50 लोग हैं, सारे हमारे 2 साल के बाद ये सब लीडर बन के प्रचार करेंगे, इन सब के अंदर 50-50 लोग होने चाहिए, समझ में आ रहा है? देखिए माता जी लोग समझ गए पीछे, है ना? ओके,
तो ये आपके ऊपर है कि आप उस भक्त को कैसे देखते हो, आपका विजन क्या है, उसी हिसाब से आप उसको क्या करोगे, शेप दोगे। अगर आप देखते हैं ये विनम्र रहे, कुछ करे ना, बस थोड़ा झाड़ू उड़ू लगाता रहे मंदिर में जाके, है ना, मैं नहीं कहता कि झाड़ू लगाना गलत है, वो जरूरी है भक्त के, लेकिन पूरे जीवन झाड़ू ही लगाता रहे नहीं, प्रचार में उसको लगाना है, तो आप उसको ट्रेन कर सकते हो प्रचार के लिए, है ना, प्रचार के लिए ट्रेन कर सकते हो धीरे धीरे, और बहुत सारे प्रचारक आप बना सकते हैं। और प्रचारक आप बनाएंगे तो आपको बहुत आराम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका सारा काम नीचे के लोग संभालेंगे, है कि नहीं, आप आराम से बैठ के अपना माला गीत करते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, और सारा काम लोग कर देंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ क्या कर रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं कि आप सब प्रचार करो, क्या करें, अकेले मैं कितना बांटूंगा, मैं बहुत सारे मेरे पास प्रचारक होने चाहिए जो इसको बांटेंगे। तो इसलिए बहुत सारे प्रचारकों की फैक्ट्री खोलना है हमको, क्या खोलना है, प्रचारक फैक्ट्री, एक फैक्ट्री बनाना है जहां से प्रचारक निकलेंगे, उसी फैक्ट्री के लिए ये प्रोग्राम है, SP3C फैसिलिटेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां से हम क्या बनाएंगे, प्रचारक। तो बहुत सारे डिवोटी प्रचार कर रहे हैं, आप सबको श्री चैतन्य महाप्रभु की तरफ से हार्दिक बधाई प्रचार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु आप सबसे बड़े प्रसन्न है कि आप लोगों ने उनकी आदेश को गंभीरता से लिया। चैतन्य महाप्रभु आगे कहेंगे कि तुम लोग इस प्रेम फल को बांटो, फल की बात हो रही है यहाँ, किसकी बात हो रही है, फल, फल खाए हैं आप लोग, सबसे लास्ट फल कौन सा खाया आप लोगों ने, आम का या जामुन, केला, कितने लोगों ने केला खाया लास्ट, ओके अच्छा मिक्स फ्रूट तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी एक फल की बात कर रहे हैं, कौन से फल की बात कर रहे हैं, कौन बताएंगे, हाथ उठा के बोलना है, ये कौन से फल की बात कर रहे हैं, पीछे हाथ उठा रहे हैं प्रभु जी, दीजिए उनको, कृष्ण प्रेम फल है, प्रेम फल, कौन सा प्रेम फल, तो हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, प्रेम, हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रेम, ये भी जानना बहुत जरूरी है, कई बार भक्त लड़ते हुए बांटते हैं प्रेम एक दूसरे का नाक मुंह तोड़ के प्रेम बांटते हैं, पूछा जाता है आप लोग किस लिए लड़ रहे हैं, प्रचार के लिए, अच्छा झगड़ा करके, हाँ अच्छा प्रचार में क्या बांट रहे हैं, प्रेम, तो झगड़ा करके आप प्रेम बांट रहे हैं, हाँ तो कौन ऐसा व्यक्ति हुआ जो इसमें हंसेगा नहीं, ये बात सुन के कौन नहीं हंसेगा ये विरोधाभास हो गया, क्या हो गया, विरोधाभास,
है ना। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद श्रिय धाम सह अवतरी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम, वो प्रेम जो अत्यंत दुर्लभ है, हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत रेयर है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कोरोना में ऑक्सीजन कितना मुश्किल से मिल रहा था, तो इसलिए ब्लैक में बिक रहा था, ब्लैक में बिक रहा था। वो भी हमारे भक्त बता रहे थे कि एक दो सिलेंडर 20-25 हज़ार रुपये दे के खरीदे, और जब सिलेंडर घर आया तो अंदर से खाली था। और एक था, उसने ऑर्डर लिया था, कम से कम 20 लोगों से ऑर्डर ले लिया था 20-25 हज़ार लेकर, और सबका सिलेंडर आया, एक भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन फिर भी लोग दे रहे थे। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा था, सप्लाई कम। तो जो भी मिलता था उसी पे लगा देते थे लोग पैसा। उसी तरह से प्रेम का डिमांड तो बहुत है, सप्लाई कम है, इसलिए नकली भी कहीं पे मिलता है तो लोग अपना जान दे देते हैं उसके लिए। नकली, असली मिल जाए तो क्या होगा बताइए? असली बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। प्रमिस करना आसान है, हम बोल देंगे आ जाइए, है ना। कई बार हम भक्त लोग लाइफ मेंबरशिप बनाने जाते हैं, लाइफ मेंबरशिप, तो पूछता है व्यक्ति कितने का है, तो बोलते हैं 35,000 का है। जब 35,000 सुनता है तो उसका दिमाग घूम जाता है, बोलता है 35,000 कहाँ से देंगे हम। तो भक्त सोचता है अब क्या करें, लाइफ मेंबर अगर बनाना है तो बढ़ा चढ़ा के बता दे। देखिए 35,000 में आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, इतनी किताबें मिलेगी, गेस्ट हाउस में आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे, इस्कॉन का मंदिर, वहाँ 3 दिन आप फ्री में रह सकते हैं, प्रसाद मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, जिस फेस्टिवल में आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर आपको स्वागत किया जाएगा। और बढ़ा चढ़ा के 50 चीज़ बता देता है, वो व्यक्ति ले लेता है। अब बाद में जब आता है मंदिर तो गेस्ट हाउस में जगह नहीं है। इसलिए आप किसी भी लाइफ मेंबर के पास जाओगे ना, बहुत गाली देते हैं, ज़्यादातर लोग गाली देते हैं, देते हैं। बहुत सारे भक्तों का ऐसा फीडबैक है कि लाइफ मेंबर्स के पास जाते हैं बहुत गाली पड़ता है कि तुम लोग झूठ बोलते हो। वादा कर देना, प्रॉमिस करना मुश्किल काम नहीं है। आनंद की खोज, आइए हमसे जुड़िए, हम आपको आनंद देंगे। यहाँ आनंद मिलेगा, प्रेम ही प्रेम मिलेगा, कृष्ण प्रेम मिलेगा, माइंड कंट्रोल हो जाएगा आपका पूरा, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। तो पूछेगा आपका कंट्रोल है क्या? मनसः क्रोध वेगम, आपका माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बेनिफिट, वो बेनिफिट, ये बेनिफिट, वो बेनिफिट।
जो हमारे वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन करने वाले होते हैं उनके पास उनका टारगेट होता है कि इस तरह उसको रजिस्टर कर दो, तो 50 प्रॉमिस करके रजिस्टर करके तो ला देते हैं, लेकिन अब जो लेक्चर देता है उससे पूछते हैं लोग कि मतलब ये मिलेगा क्या, ये मिलेगा, तो बोला कि किसने बताया आपको, बोला जिसने रजिस्ट्रेशन किया था ये सब बोल के आया था, वो तो गायब हो गया, अब हमें लेक्चर तो मैं दे रहा हूँ। तो हम प्रॉमिस करते हैं लेकिन उस प्रॉमिस को पूरा करना, डिलीवर करना, वो बड़ा चैलेंजिंग चीज है कि नहीं। हम कहते हैं आप हमसे जुड़िए, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाएगा, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, आपके अनर्थ कंट्रोल हो जाएंगे, भगवान की कृपा मिलेगी आपके ऊपर, शांति और सुखमय जीवन होगा, हमारी कॉन्ग्रीगेशन में जुड़िए, यहाँ पे गोलोक का वातावरण है, लेकिन नहीं। लेकिन जब लोग जुड़ते हैं देखते हैं यहाँ तो पॉलिटिक्स चल रहा है, वो उसकी निंदा, उसका टांग खींच रहा है, उसका टांग खींच रहा है, हो क्या रहा है ये सब, बाहर की दुनिया यहाँ पे क्या अंतर है, वहाँ भी ऐसे ही झगड़े करते हैं लोग, इधर भी कर रहे हैं, उधर भी पार्टी पॉलिटिक्स, उधर भी ग्रुपिज्म, उधर भी बीजेपी कांग्रेस, इधर भी बीजेपी कांग्रेस है। तो हम प्रॉमिस तो हम कर सकते हैं लेकिन जब हम डिलीवर नहीं करेंगे तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या लॉस होता है, विश्वास, ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रस्ट। तो जब हम किसी को बोलते हैं कि हम एक ऐसा समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसका आधार प्रेम है और आप उसमें जुड़िए, तो वो व्यक्ति जब आए हमारे पास तो उसको वो प्रेम महसूस होना चाहिए, फील होना चाहिए, यस और नो, और अगर नहीं होगा तो क्या होगा, उसका विश्वास खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, आपका कस्टमर डिसेटिस्फाई हो गया, और अगर एक कस्टमर डिसेटिस्फाई हो गया तो जाके 12 लोगों को बताएगा, कितने लोगों को, 12 लोगों को बताएगा कि उधर मत जाना इस कौन में, यह बहुत पॉलिटिक्स अंदर बहुत झगड़ा होता है ना। इसलिए हमारे जो प्रीचर है वो बहुत अच्छे से ट्रेंड होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ट्रेंड, कि जब लोग हमसे जुड़े तो उनको वो चीज हम प्रोवाइड करें जो हमने प्रॉमिस किया। तो हमारे प्रीचर्स जो होने चाहिए वो बहुत ही थॉटफुल लोग होने चाहिए, मैच्योर लोग होने चाहिए, उनका अपने पे कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी जी क्या बताते हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरः सर्वामपी माम पृथ्वीम सशिष्यात्। विसहेत धीरः, प्रीचर का सबसे पहला क्वालिटी क्या होता है, धीर, सुनाई दिया क्या, जोर से बोलिए, धीर का परिभाषा कौन बताएंगे, व्हाट इज धीर, हैं, सहनशील है ना। जो धीर का अर्थ ये हुआ कि
ऐसा वातावरण है, कोई व्यक्ति उसको उकसा रहा है, उसको प्रवोक कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रवोक कर रहा है, उकसा रहा है उसको, है ना, उसको परेशान कर रहा है कि वो झगड़ा करे, क्या करे, झगड़ा करे, फिर भी वो उसको क्या करता है, टॉलरेट करता है, क्या करता है, टॉलरेट करता है, विषहित विषहित उसको सहन कर ले, सहन कर ले, रिएक्ट ना करे, है ना, रिएक्ट ना करे, सहन कर ले, सहनशीलता, पेशेंस, क्या पेशेंस, परजबरेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, धैर्य, धीरज, धीरह तत्र न मुह्यति, धीरह तत्र न मुह्यति, धीर, भगवान कृष्ण गीता में धीर शब्द के ऊपर बार बार जोर देते हैं। कौन भक्त कितना मैच्योर है स्पिरिचुअली कैसे पता चलेगा, प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान शिव का उदाहरण देते हुए कि कोई उसको प्रवोक करता है, कोई उसको उकसाता है, उसके बावजूद वो शांत रहता है, ऐसी परिस्थिति में भी शांत, है ना, और रिएक्ट नहीं करता है, रेस्पॉन्ड्स करता है, रेस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्ट और रेस्पॉन्ड में अंतर है, एक होता है रिएक्ट करना, एक होता है रेस्पॉन्ड करना, दोनों में अंतर है, क्या कौन बताएंगे, रिएक्ट करना और एक रेस्पॉन्ड करना, दोनों में क्या अंतर है, यस बताइए, अति प्रियानक रूप बताएंगे, भोंकेगा, करेक्ट, वेरी गुड, सोच समझ कर कैलकुलेट करके रिएक्ट करने को बोलते हैं रिस्पॉन्स, कैलकुलेट करके सोच समझ के, है ना, और बिना सोचे समझे इमोशनल होके गुस्से में रिस्पॉन्स करना, उसको कहते हैं रिएक्ट करना, है ना, किसी ने हमको एक थप्पड़ मारा तो हमने उसको चार थप्पड़ मार दिया ईगो में आके, तो ये तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए आपको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, माला करने की ज़रूरत नहीं है, है कि नहीं, कोई आपको गाली दिया तो आपने उसको चार गाली दे दिया, इसके लिए माला करने की ज़रूरत है, प्रभु जी जब तक मैं माला नहीं करता तब तक चार गाली देने का इंस्पिरेशन नहीं मिलता है, वो तो कुत्ता भी कर सकता है कि नहीं, उसके लिए आपको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई आपको बुरा बोलता है तो आप भी उसको बुरा बोल दो, इसके लिए आपको आध्यात्मिक उन्नति की ज़रूरत नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी ये है कि जो चीज़ कठिन है वो करिए, कोई कठिन काम आप करिए तब माना जाएगा कि आप क्या हैं, मैच्योर है, मैच्योर, और कठिन काम क्या है, अपने बेगों को सहन करना, कंट्रोल करना, गुस्सा आ रहा है, उस भक्त ने मेरे एक भक्त को ले लिया, अपने पार्टी में मिला लिया, अभी मैं उसके पांच भक्त को अपने पार्टी में मिलाऊंगा, ये मेरे को मूड कर रहा है, अभी तब तक मैं सो नहीं सकता जब तक कि मैं ना कर लूँ,
इज नॉट मैच्योर, है कि नहीं? बहुत गुस्सा आ गया, ऐसा कैसे कर दिया उसने, है ना? ठीक है, गलत किया, ठीक है गलत किया, लेकिन नॉन डिवोटी की तरह रिएक्शन देना, नॉन डिवोटी की तरह व्यवहार करना, फिर डिवोटी बनने का क्या लाभ है कि नहीं? तो डिवोटी में क्या करना है, डिवोटी जो है वो मैच्योर तरीके से हैंडल करता है सिचुएशन को। मैच्योर तरीके से कैसे हैंडल करेगा? बात करेगा, बात करेगा, प्रभु जी आपसे एक पर्सनल डिस्कशन करना था, आप इतने अच्छे भक्त हैं, मैं बहुत खुश हूँ आप इतना प्रचार कर रहे हो, आपके प्रचार को देखकर मुझे भी प्रेरणा मिलती है। वो व्यक्ति सुन, दूसरा भक्त खुश हो जाएगा, है? लेकिन एक समस्या आ गई है, मैं आपसे पूछना चाहता था क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। अच्छा, क्या समस्या है? वो मेरे अंडर में एक भक्त था, वो काफ़ी दिनों से आ रहा था लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पास नहीं आ रहा, मैंने सुना आपके पास आ रहा है। आपको पता है क्या, मैं जानना चाहता था मैं क्या करना चाहिए मेरे को ऐसी सिचुएशन में, है ना? उसे पूछिए क्या करना चाहिए, तो बताएगा। हाँ अच्छा, आपके पास जाता था, हाँ आपके अंडर में था, मुझे बताया भी नहीं उसने मेरे को, आपके पास आ रहा है ना? हाँ आ तो रहा है, तो मैं सोच रहा था कि कम से कम आप बताते मेरे को, है ना? हो सकता है, अच्छा अच्छा ठीक है, तो प्रेम से बात करना हर चीज़ को, है ना? क्या प्रेम से डिस्कस करो, है कि नहीं? भक्तों के बीच में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, यही हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, प्रेम फल जिसकी बात यहाँ चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। समझ में आया, आ रहा है समझ में? यस। अब बताइए प्रभु, आप जो बोलेंगे वही करेंगे? प्रभु जी हमारे पास आया है, हम चाहते हैं उसको आप हमारे ही पास रहने दीजिए, वेरी गुड, बस मेरी एक ही चिंता है उसका अच्छा से स्पिरिचुअल टेक केयर आप कर लेना, भक्त बहुत अच्छा है उसका देखभाल कीजिएगा, बस मेरी यही इच्छा थी, और क्या है, चाहे मेरे पास रहे चाहे आपके पास रहे, अल्टीमेटली प्रभुपाद जी के पास है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये मैच्योरिटी इसको तो बोलोगे फिर तो प्रभु जी हमारे सारे भक्त ले जाएगा वो ऐसे करके, अरे भगवान भी तो हैं बीच में, बीच में भगवान भी तो हैं, वो भी तो देख रहे, तो अब जो भक्त जा रहे वो भी तो देख रहे हैं आपका आचरण कैसा है, उस व्यक्ति का आचरण कैसा है, कुछ समय के बाद रियलाइज सारे वापस आ जाएंगे आपके पास। समझ में आ रहे? अगर वो भक्त चीटिंग कर रहा है तो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि भक्त लोग समझ जाएंगे कि ये भक्त जो है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का पालन नहीं कर रहा है, और हमारे प्रभु जो हैं कितने मैच्योर थे, कितने प्रेम से बात किया उन्होंने, आज या कल वो रियलाइज करके वापस आएगा, आपके प्रति उसकी श्रद्धा और बढ़ेगी, क्योंकि आप चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का पालन किए हैं, इसको कहते हैं मैच्योरिटी। शॉर्ट टर्म गोल्स, छोटे मोटे सफलता के लिए हम सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं, है कि नहीं? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए हम प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, त्याग देते हैं सिद्धांतों को, तो हम बड़ा चीज अचीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए सिद्धांतों को अच्छे से पकड़ना चाहिए। सबसे पहला सिद्धांत वैष्णव समुदाय में ये होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड करो, क्या झगड़े नहीं, प्रयास करना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट कम से कम मिनिमाइज किया जा सके, क्या कम से कम झगड़े जितना कम हो सके,
हर चीज को कैसे हैंडल करना है, प्रेम से शांतिपूर्वक करना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब हम झुकने के लिए तैयार हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बताए कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय शराब। यही है वो प्रेम का कटोरा, प्रेम का कटोरा जिसमें प्रेम रखा जाता है। प्रेम हम सब चाहते हैं, लेकिन प्रेम के, अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं, आप मुझे बोले कि मुझे प्यास लगी है, मैं बोलूं पानी पियो, लो मैं तुमको पानी दे रहा हूं, तो पानी कहाँ लेंगे आप? आप बोलेंगे कि मेरी चादर में डाल दीजिए, ये लीजिए प्रभु जी चादर में पानी डाल दीजिए, या पॉकेट में डाल दीजिए, हैं? कितने लोग बोलेंगे पॉकेट में पानी डाल दीजिए? कोई नहीं बोलेगा, क्यों? हैं? क्योंकि पानी को अगर आपको होल्ड करके रखना है तो उसी अनुसार बर्तन होना चाहिए, बर्तन या पात्र, जिसको क्या बोलते हैं, पात्र। अगर पात्र आपका छेद है, बर्तन सही नहीं है, तो उसमें वस्तु नहीं दी जा सकती। तो उसी लिए प्रेम को प्राप्त करने के लिए पात्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पात्र, बर्तन जिसमें प्रेम रखा जाता है। प्रेम अमृत जो है उसके लिए एक बर्तन होना चाहिए। वो बर्तन अगर चैतन्य महाप्रभु प्रेम बांट रहे हैं और आप पहुंच गए, दे दीजिए महाप्रभु, बोलेंगे बर्तन कहाँ है, बोले बर्तन तो नहीं है, डाल दीजिए पॉकेट में। दे भी देंगे तो निकल के बह जाएगा, आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, होल्ड करके रख नहीं पाएंगे, क्योंकि एक पार्टिकुलर कॉन्शसनेस चाहिए प्रेम को होल्ड करने के लिए। इसलिए बोलते हैं पात्र हैं क्या आप, पात्र हैं देश काल पात्र, तो पात्र मतलब क्या, क्वालिफाइड। तो वो पात्रता क्या है, शरणागति, क्या शरणागति, क्या हम शरणागत हैं या हम इंडिपेंडेंट हैं। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाए शरणागति भकतेर प्राण। सिखाए सिखाए शरणागति। महाप्रभु प्रेम देना चाहते हैं, लेकिन प्रेम शरणागति रूपी बर्तन में ही प्रेम टिकता है। जहां शरणागति नहीं है वहां प्रेम टिक ही नहीं सकता। इसीलिए शरणागति रूपी बर्तन महाप्रभु बोले कि प्रेम देने से पहले बर्तन की फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। क्या क्या खोलना पड़ेगा? बर्तन की फैक्ट्री। पहले बर्तन बनाएंगे, फिर बर्तन बांटेंगे, फिर उसमें प्रेम डालेंगे, है ना? समझ में आ रहा है? बर्तन की फैक्ट्री। बर्तन क्या है, क्या है बर्तन, जोर से बोलिए, हैं? यस, शरणागति। तो इसलिए इस्कॉन की स्थापना हुई। यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, शरणागति। शरणागति, शरण में रहो। कहाँ? शरण में रहो, शरण में। तो शरणागति के 6 लक्षण हैं। दैन्य आत्मनिवेदन, गुप्त त्रितवरण, अवश्य रक्षिवे, कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति रनुकुल मात्र, कार्य रसुकार, भक्ति प्रतिकुल भाव, वजन अंगीकार।
नंबर वन क्या है? दैन्य, दैन्य। सबसे पहला क्या है? दैन्य। बोलेंगे तो याद रहेगा, बोलिए दैन्य। हाँ, दैन्य। दैन्य मतलब क्या है? दैन्य मतलब क्या, कोई बताइए? दैन्य मतलब एग्जाम्पल दीजिए। कौन देंगे एग्जाम्पल? हाँ माता जी बताइए। माता जी ने बहुत अच्छा बताया है ना, और उदाहरण के साथ बताया इन्होंने, है ना, बहुत सुंदर। तो दीन का मतलब, दीन दैन्य का मतलब हेल्पलेसनेस। क्या? हेल्पलेसनेस, असहाय। माता जी ने उदाहरण जैसे द्रौपदी का उदाहरण दिया है ना, द्रौपदी क्या हो गई थी? हेल्पलेस। उसकी सहायता कोई करने वाला नहीं था, है ना। अगर कृष्ण नहीं आते तो उसका जो रक्षा है कोई नहीं करने वाला था। निर्भरता। क्या? निर्भरता। तो दैन्य सबसे पहला गुण है एक भक्त का, जो समझता है इस बात को कि मैं आपकी कृपा के बिना मेरा कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है, जिसको कहते हैं दैन्य, है ना। कि हे प्रभु, मैं मूर्ख नंबर एक हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की और मैं इस संसार में आया अपनी मूर्खता के कारण, और अब मैं दिन रात दुख झेल रहा हूँ इस दुख भरे संसार में। अपने बल पे यहाँ से निकलने का कोई आशा नहीं है, आपकी कृपा ही एकमात्र भरोसा है। इसको कहते हैं दैन्य। आप नहीं आएंगे तो मेरे बचने की कोई आशा नहीं है, मैं आप पर पूरी तरह निर्भर हूँ। भगवान की कृपा पर निर्भर रहना, गुरु की कृपा पर निर्भर रहना, और ये मानना कि अपने प्रयास से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं प्रयास कर सकता हूँ लेकिन प्रयास से हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक गुरु और कृष्ण की, वैष्णवों की कृपा ना हो। अगर वैष्णव गुरु कृष्ण प्रसन्न नहीं है, चाहे कितना भी नाक रगड़ ले, इस भव सागर से पार हो ही नहीं सकते। पार कराने की तो बात दूर है, कराने का तो बाद में सोचेंगे, पहले हो जाए, खुद हो जाए फिर कराएंगे। तो खुद भी पार नहीं हो सकते जब तक कि गुरु कृष्ण और वैष्णवों की कृपा हमको ना मिल जाए। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं दीनता। और गुरु कृष्ण और वैष्णवों की कृपा कैसे मिलती है? कैसे मिलती है? झगड़ा करने से कैसे मिलती है? कौन बताएंगे? गुरु कृष्ण और वैष्णवों की कृपा कैसे मिलती है? हाँ बताइए। हाँ क्या बताइए? समर्पण मतलब क्या? हाँ
करेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। तो विश्वास रहना चाहिए, है ना, क्या विश्वास गुरु कृष्ण और वैष्णव, स्पेशली जो गुरुजन हैं उनकी बातों पे हमें विश्वास करना चाहिए। अगर गुरु हमको कहते हैं झुक जाओ, क्या कहते हैं झुक जाओ, तो क्या करना चाहिए, झुक जाना चाहिए, है ना। वैष्णवों को प्रसन्न करने के लिए अगर झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए। अगर कुछ बात अपनी रखनी है तो रखना चाहिए, विनम्रतापूर्वक रखना चाहिए, है ना, विनम्रतापूर्वक रखना चाहिए, अहंकार पूर्वक नहीं, उत्तेजना पूर्वक नहीं, बल्कि विनम्रतापूर्वक। मैं नहीं कहता कि अपने पक्ष को अपनी बात को नहीं रखना है, रखना है, लेकिन कैसे रखना है, इस प्रकार से रखिए ताकि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि एक सभ्य व्यक्ति के साथ में बात कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो इसको कहते हैं एटिकेट्स, जो वैष्णव एटिकेट्स हैं, कैसे सीनियर के सामने बात करना है, कैसे जूनियर के सामने बात करना है, कैसे बराबर वालों के साथ व्यवहार करना है। जब हम वैष्णव एटिकेट के हिसाब से कार्य करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, तब हमको गुरु कृष्ण और वैष्णव की कृपा प्राप्त होती है। यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। शास्त्र में जो बात विधि बताई गई है, आचरण करने की विधि, व्यवहार करने की विधि जो बताई गई है, उसका पालन करने से हालांकि कठिन होगा, आसान नहीं है। शास्त्रों में बताई कि विधि का पालन करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। शुक्राचार्य ने कह दिया बलि महाराज को कि ये विष्णु है, तेरा सब कुछ छीन लेगा, तीन कदम में तेरा सब लेके जाएगा, भिखारी हो जाएगा तू, सोच ले। तो बलि महाराज ने क्या कहा, भगवान के हाथों चले जाना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर ठाकुर जी इसी में प्रसन्न है तो यही आनंद है, है कि नहीं। वैष्णवों से कुछ वैष्णव व्यवहार में आपस में संबंध ऐसा होना चाहिए, कुछ खोने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, प्रेम के लिए, रिलेशन के लिए। रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, है कि नहीं। वैष्णव का आपस में प्रेम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी सब बाद में। धनम जनम सुंदरीम कविताम पूजा प्रतिष्ठा लाभ ये वो ये सब बाद में, पहला क्या है रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है, रिलेशन विथ गुरु, रिलेशन विथ कृष्ण, रिलेशन विथ वैष्णव, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। और उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देना, उसके बाद सब कुछ है। तो जब हमारे बीच में आपस में प्रेम रहेगा तो हम दूसरों को भी प्रेम दे पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो गुरु कृष्ण की कृपा तब मिलती है जब हम विनम्र होते हैं, विनम्रता सहनशीलता। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो यही दासे तृणा पे खायती ही न, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, कौन बताएंगे, यस पीछे सबसे पीछे बताइए, खड़े हो जाइए। नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक गीत है बहुत सुंदर। हाँ, कृपा कीजिए ताकि मैं तृण से भी अधिक नीच हो जाऊं, हूं नहीं क्या होने की कृपा कीजिए। अभी मैं तो ईगो है बहुत,
आप कृपा कर दीजिए ताकि क्या बन जाऊं, तृण से भी अपने को नीच मानने लगूं। सकले सहने बल दिया करो निज मान स्पृहाहीन, सबको सम्मान दूं, सब कुछ सहने की शक्ति आ जाए मेरे अंदर। क्या आ जाए? सब कुछ सहने की शक्ति, सबको सहने की शक्ति आ जाए, ना कि सबको सबको सहने की, दूसरे लोग मेरे को सहने की शक्ति डेवलप करें। विनीत प्रभु भी मेरे को सहें, पद्ममाली प्रभु भी मेरे को सहें। हे गुरुदेव, ऐसी कर दीजिए कि सब लोग मैं जो करूं बाकी लोग सहते रहें, ऐसी कृपा कर दीजिए, है ना। इतना पावरफुल बन जाऊं कि सबको पीटता रहूं और कोई मेरे खिलाफ आवाज़ भी ना उठा के सब लोग सहते रहें, है ना। क्या कहना है आप सबका, है नहीं? हमको इतना विनम्र बना दीजिए, इतना सहनशील बना दीजिए कि मैं सबको सह सकूं, है। तभी तो गाई गो हरिनाम सुखे, तभी तो हरिनाम ले पाऊंगा मैं, तभी तो हरिनाम ले पाऊंगा। अपराध तभी तो नष्ट होंगे, नहीं तो अपराध होते रहेंगे। तो प्रेम जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रेम है ना, उसको देने के लिए बहुत जरूरी क्या है? विनम्रता। ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। अपने सम्मान की इच्छा नहीं, और दूसरों को हमेशा सम्मान दो। तो ये जो चेतना है, ये कॉन्शसनेस, जो व्यक्ति जब ऐसा अपने को फील करता है तब भगवान की कृपा, प्रेम उसके हृदय में प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होगा, तब हम दूसरों को भी प्रेम दे पाएंगे। तो जब लोग जुड़ते हैं हमारे यहाँ, तो हम ऐसे ऐसे मैच्योर फैसिलिटेटर्स हों हमारे अंदर, जो क्या है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन, ऐसे फैसिलिटेटर हम चाहते हैं। और कीर्तनीय सदारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, जप में उनकी रुचि है, ध्यान से जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ऐसे लोग भक्त बने, प्रीचर बनेंगे तो हजारों की संख्या में लोग जुड़ेंगे, है ना। जो भी आएगा वो प्रभावित हो जाएगा उससे, पर्सनालिटी से। तो एक भक्त बता रहे थे, बहुत पहले मंदिर में आए, तो मंदिर में जब गए पहली बार जब वो मंदिर गए, तो एक व्यक्ति मंदिर के बाहर खड़े थे, कूड़ा उठा रहे थे, मंदिर को सफाई कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे और कूड़ा उठा रहे थे। तो उन्होंने उसे पूछा कि हेलो, हाँ बोलिए प्रभु, क्या बात है? मुझे मंदिर के अध्यक्ष से मिलना है, टेम्पल प्रेसिडेंट से। बोले अच्छा, अध्यक्ष से मिलना है, थोड़ा देर वेट कर लीजिए, थोड़ी देर में आएंगे, है ना। तो बैठ गए, फिर सफाई करते रहे, फिर बोले कब तक आएंगे? बोले अभी थोड़ी देर, बस थोड़ा देर रुक जाइए। फिर थोड़ी देर के बाद वो भक्त गए, हाथ धोकर वापस आए, तो बोले अभी तक आए नहीं, कहाँ गए? बोले बोलिए क्या बात है, बोलिए क्या बात है? नहीं नहीं मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है, आपसे नहीं, आप तो झाड़ू लगाने वाले हो यहाँ। बोले हम ही प्रेसिडेंट हैं, बताइए अब क्या बात है, है ना। ये सेवक आपका प्रेसिडेंट है यहाँ का, बताइए, कुछ समझ में आया क्या? क्या समझ में आया बताइए, कौन बताएंगे? हाँ बताइए। हाँ, जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं, है ना,
जो भी हमारे यहाँ आते हैं उनको सेवा करो, है ना, उनको इतना प्रेम दीजिए, शिक्षा भी दीजिए, एजुकेशन और केयर दोनों देना बहुत जरूरी है। शिक्षा दीजिए और केयर भी कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी कैसे हिप्पियों को अट्रैक्ट किए, है ना, अपने आचरण से, अपनी विनम्रता से, अपनी सहनशीलता से, अपने प्रेम से। सोचिए 70 साल की उम्र थी प्रभुपाद जी की और 50-60 हिप्पी आते थे वहाँ बैठ के लेक्चर सुनने, और प्रभुपाद जी सबके लिए खुद कुकिंग करते थे। क्या करते थे? कुकिंग करते थे और खुद कुकिंग करके खुद उनको हाथों से खिलाते थे, फिर वो चले जाते थे उनका प्लेट भी धोते थे। प्रतिदिन तो एक दिन उसमें से एक हिप्पी जो है वो रुक गया देखने के लिए, किया दिमाग में उसका क्लिक कर गया होगा कि यहाँ पे एक ही आदमी रहते हैं स्वामी जी, तो ये सब करता कौन है। तो उसने देखा कि प्रभुपाद खुद ही धो रहे हैं उनका जूठा बर्तन, है ना, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे स्वामी जी धोते हैं सारा है? तो गया, स्वामी जी आपको क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? प्रभुपाद जी बोले, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तो प्रभुपाद जी लेक्चर में भी बोल सकते थे ना कि कितने नलायक हो तुम लोग, खा के चले जाते हो, कोई धोता नहीं है, कब हमको धोना पड़ता है, 70 साल का बुजुर्ग आदमी, तुम लोग थोड़ी भी सेंस नहीं है, पत्थर हृदय है तुम लोग, थोड़ा भी नहीं, कभी बोले नहीं, बोले लेक्चर डिजाइन कर सकते थे इसी के ऊपर टॉपिक, है ना, लेकिन प्रभुपाद जी ने वो नहीं किया, है ना, बल्कि प्रभुपाद जी ने सेवा किया और वेट किया कि कृष्णा जो है उनको इंस्पायर करे, हार्ट में वो स्वयं आके बोले, तब हम उनको सेवा दें। सेवा इतना आसानी से नहीं देना चाहिए, चिपली, है ना, सेवा का अधिकार जल्दी नहीं देना चाहिए, सेवा का अधिकार सबको नहीं है, स्पेशली रिस्पॉन्सिबल सेवा तो जल्दी नहीं देना चाहिए किसी को, नहीं तो अपराध करेगा व्यक्ति, और सेवा में जब अपराध करेगा तो क्या होगा, और पतन हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या कहते, ए निवेदन धर सखीर अनुगता करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। इतना आसानी से सेवा नहीं मिलता, बार बार निवेदन करना पड़ता है, नाक रगड़ना, तब मिलना चाहिए सेवा, है ना, सेवा जल्दी नहीं। हम तो अपना सेवा सबको बांट देते हैं, बोलते हैं बढ़िया है सेवा ले लो, ताकि हमारा खत्म हो जाए, है कि नहीं। रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे जो तो लड़ाई कर देते थे उनका कोई सेवा करते तो, उनके गुरुजी ने आदेश दिया था कि मंदिर जो है बालाजी के, बालाजी जो है तिरुपति में, तो दिया था कि किसी से सेवा मत लेना, तुमको बालाजी का सेवा करना है। तो वो खुद सेवा करते थे, किसी से लेते नहीं थे, कोई भी आता था भगा देते थे, मेरा सेवा है मैं करूँगा, वो और उनकी पत्नी दोनों करते रहते दिन रात, और पूरा प्रोजेक्ट को डेवलप करने का अकेले करते थे। लोग आते भी थे तो नहीं लेते थे सेवा, नहीं, और पत्नी जो है वो उनकी गर्भवती हो गई और फिर उनके हेल्थ ठीक नहीं था, और वो अकेले कर रहे थे, और पत्नी भी देखी पति अकेले कर रहे हैं तो वो भी लग गई, उसका हेल्थ ठीक नहीं था, फिर भी बालाजी को दया आ गया, कुछ हेल्प करना चाहिए, खुद आ गए बालाजी, खुद आ गए बालक बन के, और जानते थे
कि ये तो महात्मा जी तो भगा देंगे, और माता जी थोड़ी दयालु है, उसी को थोड़ा हेल्प करना चाहिए, है ना। तो बालाजी बालक का रूप आके धारण करके और माता जी को बोले, माता जी आप थोड़ी थक गई हो तो आप मिट्टी उठा के ले जा रही हो, हमको दे दो, यहाँ तक आप लेके आ जाना, और वहाँ से आगे हम लेके चले जाएंगे, पति को पता भी नहीं चलेगा। वो बोली, नहीं नहीं उनको पता चल गया तो हमको भगा देंगे, हमको भी त्याग देंगे। बोले कुछ पता नहीं चलेगा। तो माता जी जो बातों में आ गई बालाजी के, और देने लगी मिट्टी लाके, तो महात्मा जी सोच रहे, अरे इतना फास्ट कैसे हो गई है, बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, उनको डाउट हो गया। तो पीछे से जाके देखते हैं तो बालक हेल्प कर रहा है, बहुत गुस्सा आया। बोले तेरे को अभी पीटूंगा मैं, पकड़ के आए, मारने के लिए दौड़े तो भाग गए बालाजी वहाँ से, भागे तो पीछे से जो भी हाथ में था उसी को चला के मारे, तो यहाँ पे कट गया उनका, बालाजी का। तो इसलिए बालाजी में आप जाएंगे तो यहाँ पे अभी भी वो उजले रंग का लेप लगाते हैं बालाजी को, आपने देखा है फोटो में, लेप लगाते हैं बालाजी को यहाँ पे उसी की याद में, कि अपनी सेवा किसी को जल्दी नहीं देने का है ना। तो सेवक कैसे देने का, पहले ट्रेन करने का। क्या आप किसी को खाना कब खिलाओगे, जब उसको भूख होगी तभी खिलाओगे ना। बिना भूख के अगर आप किसी को रसमलाई दे दो तो क्या करेगा, वो रसमलाई का अनादर करेगा। क्या करेगा, रसमलाई का अनादर करेगा, डिसरेस्पेक्ट करेगा। उसी तरह से जब पहले हमें क्या करना है, सेवा की भूख क्रिएट करनी है लोगों के अंदर। क्या करना है, क्या करना है, बोलिए सब लोग बोलिए, सेवा की भूख, या और उसके बाद देना है सेवा। बिना सेवा के भूख के आप सेवा दे दोगे, लोग सेवा का वैल्यू नहीं समझेंगे, सोचेंगे अपना काम मेरे पे डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है, अपना काम मेरे पे फेंक दिया प्रभु जी ने, ये नहीं सोचेंगे कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान की सेवा मिली। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम से बेमानम, हजारों लक्ष्मी लाइन में खड़ी रहती हैं दिश ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, उनको भी सेवा नहीं मिलता है, और वो सेवा हमको मिल गया, मैं कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, हैं? आनंद में नाचने के बजाय व्यक्ति उल्टा सोचता है, अरे हमको हम ही दिखते हैं क्या आपको, और कोई नहीं दिखता आपको, इतने सारे भक्त हैं हमेशा हम ही को पकड़ लेते हैं आप, हैं? एक भक्त मेरे पास आके बोला, है ना, प्रभु जी मतलब ब्रह्मचारी आश्रम में इतने सारे ब्रह्मचारी हैं, सब मंगल आरती में नहीं आते, लेकिन प्रभु जी मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, ये तो अन्याय है, है ना, ये अच्छी बात नहीं है, है ना। मैं बोला, प्रभु जी तुम्ही को भगवत धाम ले जाना चाहते थे, तुम कोई ऑब्जेक्शन है, हमको बहुत ऑब्जेक्शन है, हमारे ही पीछे पड़े हुए कि भगवत धाम तुम्ही को ले जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या कंपटीशन है कि भगवत धाम नहीं जाने का कंपटीशन कर रहे हैं हम लोग, कि वो नहीं जा रहा है तो हमको क्यों ले जा रहे हैं आप भगवत धाम। तो ये इस तरह की मेंटालिटी देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया भाव, है कि नहीं। तो सेवा जब मिले तो आनंद से नाचना चाहिए कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज भगवान ने मुझे सेवा का अवसर दिया। प्रसाद खाने को मिल जाए तो भाग्यशाली समझना चाहिए कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज ठाकुर जी का प्रसाद मिला मुझे, है कि नहीं। तो वो जो कॉन्शसनेस है, वो भूख है, इन चीज़ों के पहले महत्व को समझाना चाहिए, है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे,
स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास को नहीं बजाए थे। तो पहला कार्य क्या है कि लोगों को श्रद्धा विकसित करना, सेवा में, नाम में श्रद्धा, प्रसाद में श्रद्धा, पहले उनके अंदर वो भूख लाना है और फिर जब सेवा देंगे तो लोग उसको सही भाव में लेते हैं। लेकिन अपना बलाय दूसरे पर टालने के भाव से सेवा देंगे तो समझ जाएंगे प्रभु जी खुद ही अपना फेंक रहे हैं मेरे ऊपर, इसमें इनको खुद ही सेवा में मन नहीं लगता, हम ही पे डाल रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार का जब माहौल जब देखेंगे जहाँ पे कि सेवा में सेवा जब मिलता है तो कितने खुश होते हैं यहाँ भक्त, तो जो नया भक्त आता है वो भी सेवा के लिए लालायित हो जाएगा, है कि नहीं? यस और नो, समझ में आ रहा है? लेकिन तब देखते कि यहाँ पे कांग्रेसन माहौल ये है कि जैसे ही किसी को सेवा मिला वो बोले देखो हम ही को देते रहते हैं, सारा सेवा हमारे ऊपर डाल दिया, है ना। इस तरह की बातें होगी तो क्या सोचेंगे लोग, वही ऐसा ही माहौल है, सेवा बोझ की तरह लेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है लीडर के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर? लीडर, कि किस तरह का मूड वो डेवलप करना चाहता है अपने कांग्रेगेशन में, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए प्रीचर जो होता है उसकी कॉन्शसनेस बहुत मैच्योर होनी चाहिए, बहुत मैच्योर, है ना। भौतिक डीलिंग नहीं होनी चाहिए उसकी, भौतिक डीलिंग करेगा तो लोग भौतिक मानसिकता में आ जाएंगे, उसकी आध्यात्मिक डीलिंग होनी चाहिए, स्पिरिचुअल डीलिंग होनी चाहिए, शास्त्रों के आधार पर डीलिंग होनी चाहिए, है ना। सेवा देने से पहले क्या बोलना चाहिए, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आज आपको राधा रानी ने सेलेक्ट किया ये सेवा करने के लिए, आपके सौभाग्य कोई सीमा नहीं है, अगर आपने ये सेवा अच्छे से कर लिया तो आपको कृपा मिल जाएगी राधा रानी, है कि नहीं। उससे पहले सेवा के महात्म्य के ऊपर हमें चर्चा करना चाहिए, क्यों सेवा करना है, तो ये सारी चीज़ें क्यों सेवा करना है, सेवा क्यों इम्पोर्टेंट है, है ना। तो इस तरह की मैच्योरिटी, तो कहने का अर्थ है कि जो प्रीचर होते हैं उनके अंदर बहुत मैच्योरिटी होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, वैष्णव गुण होने चाहिए, वैष्णव सदाचार का पालन करने वाले होने चाहिए, कैसे बात करना है, जूनियर से कैसे डील करना है, बराबर वालों से कैसे हैंडल डील करना है, अपने सीनियर के साथ कैसे डील करना है, गुरु के साथ कैसे डील करना है, भौतिकवादी लोगों के साथ कैसे डील करना है, माताजी लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सारी डीलिंग्स जो है जो हमारे वैष्णव सदाचार्य में बताया गया है। कांग्रीगेशन लीडर को कैसे डील करना चाहिए, टेंपल प्रेसिडेंट के साथ कैसे डील करना है, अपनी फैमिली मेंबर के साथ कैसे डील करना है, अपनी वाइफ के साथ कैसे हैंडल करना है, उससे कैसे व्यवहार करना है, अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है। अपनी वाइफ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, आप प्रीचर हो, आपके झगड़े हो रहे हैं घर में, जो कांग्रीगेशन आपकी आ रही है वो देखेगी, वो भी सोचेगी हम भी जाते हैं तो झापड़ मारते हैं वाइफ को, प्रभु जी हमारे यद आचरति श्रेष्ठा तम तम वेतरोपण जना, हमारे प्रभु जी का डाइवोर्स हो रहा है तो बड़ा भाई शराबी छोटा पिए तो क्या खराब है, है ना। तो उसी तरह से नीचे वाले सीखेंगे, समझ में आ रहा है, आपके आचरण से नीचे के लोग सीखेंगे। इसलिए यदि आचरति श्रेष्ठा तम तम एवेतरो जना, इसलिए बोलने से पहले कंट्रोल, एक शब्द बोल रहे हैं तो उसे सोचने का, इसलिए वाचो वेगम, सबसे पहला चीज क्या है, वाचो वेगम, मन में कुछ भी चल रहा हो वो इतना इम्पोर्टेंट है, वो बाद में, पहला चीज पहले भी लिख सकते थे मनसा वेगम, लेकिन मनसा वेगम बाद में, पहले क्या, वाचो वेगम, नंबर वन इंस्ट्रक्शन वाचो वेगम, ये जीव को कंट्रोल, वाणी को कंट्रोल करना सीखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रीचर के लिए, वाणी को कंट्रोल करना,
बोलने से पहले सोचना कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ क्या ये शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के अनुसार है, और जो बोल रहा हूँ वो क्या सही टोन में बोल रहा हूँ या टॉन्ट मार रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ पद्माली प्रभु तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, अब ये किस टोन में मैं बोल रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। टोन से पता चलता है व्यक्ति कहीं कमेंट तो नहीं मार रहा है, तो केवल शब्द नहीं बल किस भाव में बोलते, गुस्से में बोल रहे हैं, ईगो में बोल रहे हैं, क्रोध में बोल रहे हैं या प्रेम से बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। इसलिए क्योंकि एक शब्द आपका सामने वाले व्यक्ति को तोड़ सकता है। आपने किसी को कल्टिवेट करने में 5 साल लगाए हो लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए 1 सेंटेंस काफ़ी है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अगर एक दिन आपने उसको गलत तरीके से हैंडल कर डील कर दिया, गाली दे दिया, कुछ बोल दिया, उसका लाइफ खत्म, आपका रिलेशन टूट जाएगा। इसलिए वाणी वेग का वेग बहुत महत्वपूर्ण है। जितने क्वारल या मिसअंडरस्टैंडिंग ये सब चीज़ होते हैं वाणी के वेग के कारण होता है। बात वही बोलना है लेकिन कैसे बोलना है ताकि सामने वाले व्यक्ति को बुरा हर्ट ना हो, बुरा ना लगे, उसकी एक कला होती है, उसको सीखना चाहिए अपने वॉइस को कंट्रोल करके ऐसे बोलो। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम, गीता बोलते हैं कैसी वाणी बोलनी चाहिए, अनुद्वेग करम। अनुद्वेग करम मतलब क्या, कौन बताएंगे, प्रभु जी बताइए। वेरी गुड, दूसरों को उद्वेग ना करें। उद्वेग मतलब रात भर सो ना पाए, पूरी रात बेचारा डिस्टर्ब रहे, उसको नींद नहीं आ रही, ऐसा बोल दिया इन्होंने, ऐसा बोल दिया, जब भी कर रहा है तो उसको वही याद आ रहा है कि नहीं, डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब कर दिया आपने उसकी चेतना को, उसकी मेंटल पीस को आपने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, ऐसे सेंटेंस आपने बोल दिया है ना। इसको कहते उद्वेग करम, उद्वेग ना, उद्वेग नहीं देना चाहिए। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि और शीतल हो जाए व्यक्ति, क्या हो जाए, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपक होए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल हो। वाणी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे जो डिस्टर्ब है वो भी आपकी वाणी सुन के क्या हो जाए, शीतल हो जाए, ठंडा हो जाए। डिस्टर्ब आ रहा है, गुस्से में आ रहा है, आप ऐसी वाणी बोलिए, शांत हो गया। ये है संत, ये है साधु, ये है प्रचारक, है कि नहीं। तो हम सबको, मैं नहीं कहता कि एक ही दिन में सारा क्वालिटी डेवलप हो जाएगा, लेकिन कम से कम हम क्या करें ये बताएं, इसलिए कम से कम लालसा करें, इच्छा करें कि हमको ये विकसित करना है, ऐसा बनना है, ये सर नो, कम से कम हम सोचें कि हाँ हमको ऐसा बनना है। और जब हम सोच लिए कि ऐसा बनना है, कब वो दिन आएगा कि मैं ऐसा बनूंगा, तो धीरे 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 हमारे अंदर परिवर्तन शुरू हो जाएगा, हम इन गुणों को विकसित कर लेंगे, तब जाके हम चैतन्य महाप्रभु के डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, प्रेम फल बांट पाएंगे, है ना। तो ये हमारा जो शिक्षा है जो हमने बताया आपको कि क्वालिफिकेशन क्या है, मैच्योरिटी है, फैसिलिटेटर्स को क्या होना चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए। और मैच्योरिटी का मतलब ये है जो मैंने बताया कि विनम्रता, सहनशीलता, ये जो तृणादपि सुनी चाहिए तरूर अपि सही सुना। मैच्योरिटी का मतलब ये है वाणी वाचो वेगम, मनसह वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, पष्ठ वेगम है। आप लीडर हैं, आपकी सेंस कंट्रोल में होनी चाहिए, है कि नहीं। लीडर हैं, आपकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, हम गलत रिलेशनशिप में अगर आ जाते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम होता है, बहुत बदनामी होती है, कई लोगों का विश्वास टूटता है उससे, है कि नहीं। सेंस कंट्रोल,
जिह्वा बेगम, खूब खाने का, टेस्टी खाना, बहुत टेस्टी, चटपटा, है ना, तो क्या दिक्कत है चटपटा खाने का? चटपटा खा लेंगे तो क्या दिक्कत होगा, तो ज़्यादा खाने का मन करेगा, और खूब खा लिए तो क्या होगा उधर, तो खूब खा लेंगे तो इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इंद्रियां बलवान हो जाएंगी, प्रबल, आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे, इसलिए भाल ना खाइबे, भाल ना परिबे, बहुत ज़्यादा अधिक नहीं खाना चाहिए। तो कई बार भक्त पूछते हैं, प्रभु जी मतलब गृहस्थ जीवन में तो बहुत मुश्किल है, गृहस्थ जीवन का आधार ही है बहुत अच्छा खाओ, बहुत अच्छा पहनो, वो तो बैरागी के लिए है, ये बैरागी के लिए, गृहस्थ जीवन में छूट है, दैट्स ट्रू कि गृहस्थ जीवन में हमें छूट दी गई है, लेकिन हमें लेना नहीं चाहिए, हमें कम करना चाहिए, कम छूट लेना चाहिए, प्रयास करना, तो बोले कैसे, इच्छाएं तो बहुत रहती है खाने की पहनने की, बहुत इच्छा करती है, उस इच्छा को कम कैसे करें, है ना, तो प्रयास करना चाहिए कि साधना करेंगे तो थोड़ा कंट्रोल रहेगा, तो साधना अगर अच्छी होगी, शास्त्र पढ़ेंगे, ध्यान से जप करेंगे, मॉर्निंग में साधना करेंगे, तो हमारा जो भौतिक इच्छाएं जो हैं वो क्या होंगी, कम हो जाएंगी, हम आध्यात्मिक जीवन में हमको आनंद आने लगेगा, जब आध्यात्मिक चीज़ों में आनंद आने लगेगा तो ये चीज़ें, इनकी इच्छाएं अपने आप कम हो जाती हैं, लेकिन अगर हम साधना अच्छा नहीं रखेंगे, जप नहीं करेंगे, तो क्या होगा, भौतिक चीज़ें प्रति आकर्षण हमारा बढ़ जाएगा, इसलिए प्रचारक का बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है कि अगर हम प्रीचिंग में है तो अपनी साधना बहुत अच्छी रखनी चाहिए। साधना का मतलब क्या है, समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना, जितना प्रैक्टिकल हो सके, मतलब मैं एक प्रिंसिपल बता रहा हूँ, अब कोई बोले प्रभु जी मेरा नाइट ड्यूटी रहता है तो मैं क्या करूँ, वो सब डिटेल आप देखें, मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ, है ना, डिटेल आपकी लाइफ का वो आपको डिसाइड करना है, प्रिंसिपल ये है कि साधना की क्वालिटी अच्छी करनी है, जब आप जप करें तो ध्यान से जप करें, हरि नाम की शरण अच्छे से लिया जाए, ये नहीं कि जप कर रहे हैं और इधर उधर बात भी कर रहे हैं, सोलह माला जप करें तो ध्यान से करें, प्रेयरफुल मोड में करें, प्रभुपाद जी की किताब को ध्यान से पढ़ें, उस पर विचार करें, डिस्कशन करें, एक क्वालिटी जो भी करते हैं तो क्वालिटी करें, केवल क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी भी ध्यान रखना चाहिए, तो जब हम इन चीज़ों को करें, सुबह उठना, यानी कि उठ रहे हैं 8 बजे हैं, हम फैसिलिटेटर हैं और हम उठ रहे हैं 8 बजे, और उठते ही सबको फ़ोन लगा दिया, तुम लोग कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे उठे आज, प्रभु जी हम 6 बजे उठा आज, 6 बजे उठने से काम चलेगा, 5 बजे उठना चाहिए, तो हम खुद अगर नहीं है तो दूसरे को इंस्पायर नहीं कर पाएंगे, है ना, तो खुद भी प्रयास करना चाहिए जल्दी, ये तो इससे क्या होगा, हमारी साधना अच्छी रहेगी, साधना दवाई की तरह है, अगर हम दवाई अच्छे से लेंगे तो हमारा बुखार कम रहेगा, भौतिक बुखार, भौतिक बुखार कम होगा तो क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, और वही दूसरों को बांट पाएंगे, तो इस तरह से मैंने बताया कि कैसे हमें प्रचारकों की संख्या बढ़ानी है, हमें भक्त नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, प्रचारक बनाना है, लीडर बनाना है, कोच बनाना है, है ना, एटलीस्ट प्रचारक ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, कितने प्रचारक बनाने, 5 करोड़ है ना, और प्रचारक क्या करेंगे, चैतन्य महाप्रभु करेंगे, इस प्रेम फल को बांटेंगे, हैं, लेकिन प्रेम फल को बांटने से पहले खुद खाना है ना, खुद आस्वादन करना है, खुद हमारे हृदय में वो प्रेम होना चाहिए, उसके लिए हमने चर्चा किया कि मैच्योरिटी होनी चाहिए प्रचारक में, बिना ट्रेंड मैच्योर प्रचार,
है ना, जिसके अंदर त्रिनादपि सुनिचेन का भाव हो, वाचो वेगम मन सह क्रोध वेगम, है ना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल हो, जिसकी साधना अच्छी हो, डिसिप्लिन हो, है ना, जिसका सदाचार अच्छा हो, ये सब गुणों को विकसित करना है ना, तब जाके हम दूसरों की जिम्मेदारी उठा पाएंगे, है ना। नहीं तो लोग क्या होगा, हमारे अगर हम स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो जो हमारे से जोड़ेंगे वो भी पाँचवीं क्लास का बच्चा दसवीं क्लास की पढ़ाई नहीं करा सकता, पाँचवीं क्लास का बच्चा मैक्सिमम पाँचवीं क्लास तक ही पढ़ा पाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए अगर हम अपना हमारा लेवल ऊपर नहीं जाएगा तो हम जितने लोग भक्त बनाएंगे उनका भी लेवल ऊपर नहीं जाएगा, वहीं रहेगा, और फिर हमारी संस्था में सहजिया भक्तों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। अब देखिए सहजिया भक्तों को, हैं, सहजिया भक्त बांके बिहारी मंदिर जाके भावुक होकर बेहोश हो जाते हैं, है ना, फिर जैसे ही भारत है गोलगप्पे देखते हैं तो उसको भी देख के बेहोश हो जाते हैं, ऐसे टूट पड़ते हैं कि बांके बिहारी भूल ही जाते हैं गोलगप्पे देख के, विरह के आंसू सारे उड़ जाते हैं, है? तो उनको सहजिया मतलब उनको दोनों से प्रेम, कृष्ण से भी प्रेम और माया से भी प्रेम, है ना, कृष्ण से भी अथाह प्रेम और इंद्रिय तृप्ति से भी अथाह प्रेम, इसको क्या बोलते हैं, सहजिया, है ना। और कुछ लोग कृष्ण से भी वैराग्य और माया से भी वैराग्य, दोनों से वैराग्य, उनको बोलते हैं मायावादी, माया से भी प्रेम नहीं है, कृष्ण से भी प्रेम नहीं है, तो किसे है, कन्फ्यूजन में है, ढूंढ रहे हैं किसे प्रेम करें, मायावादी, है ना। भक्त क्या है, माया से वैराग्य, इंद्रिय तृप्ति, माया मतलब इंद्रिय तृप्ति, माया मतलब कहीं बोलते माया मतलब माता जी नहीं, माया मतलब क्या, इंद्र तृप्ति की इच्छा, इंद्र तृप्ति करना, वही माया है। तो भक्त को इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं होनी, क्यों, इंद्र तृप्ति में क्या प्रॉब्लम है, इंद्र तृप्ति उतना ही करना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर चल जाए, हमारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए, बेसिक नीड्स, है ना। क्यों, क्योंकि इंद्र तृप्ति में अगर हम बहुत ज़्यादा रत हो जाएंगे ना, हम एडिक्टेड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एडिक्ट हो जाएंगे, और जिस व्यक्ति को एडिक्शन होता है ना, वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। आप देखिए किसी शराबी को, हैं, जब उसको शराब का नशा चढ़ता है ना, तो अपना पत्नी बच्चा सब भूल जाता है, वो उस समय सबको मारेगा वो, और पैसा मांगेगा पत्नी से, अगर नहीं देगी तो पत्नी को भी मांगेगा, शराब पीना है उसको किसी तरह से, उस समय भले शराब का नशा उतरने के बाद पत्नी को बोलेगा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता, रोएगा भी, लेकिन जैसे ही शराब का नशा चढ़ेगा वो सबको भूल जाएगा, क्योंकि तो शराब इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से अगर हम कृष्ण के अलावा और किसी से अधिक आसक्त हैं तो क्या होगा, वो आसक्ति जब सामने आएगी तो कृष्ण को भूल जाएंगे, कृष्ण हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण प्रेम, कृष्ण से जो प्रेम करता है उसको और किसी चीज में सुख नहीं मिलेगा, है ना। तो हमारा लक्ष्य वो है, मैं नहीं कहता कि कल से आपके अंदर ये गुण हो जाए, बट लक्ष्य में प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, सिद्धांत बता रहा हूँ, और ग्रेजुअली हमें लालसा करना है। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयन बबिन, कब वो मेरा दिन आएगा, कबे अमार निताई चांद करुणा हैबे, संसार वासना मुर कबे तुच्छ हबे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन, वो दिन मेरा कब आएगा। एटलीस्ट लालसा तो करनी चाहिए ना, ये सो नो, एटलीस्ट डिजायर करना चाहिए कि मेरा दिन कब आएगा, कब वो दिन आएगा मेरा, है। तो जब लालसा करेंगे तो फिर धीरे 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 हम उस तरफ अग्रसर होंगे और हम दूसरों को भी करा पाएंगे। तो ये प्रचारक के अंदर ये बेसिक गुण जो हैं वो होने चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, थैंक यू। Thank you.